ये आर्टिकल का टॉपिक था इन द हिंदू सो लेटेस्ट अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं सो परवर्स इंसेंटिव क्रिएटेड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन और स्किल गैप जो है उसकी वजह से एबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउंड पॉलिसीज बहुत कम हो गई है सो so, कुछ तो इंसेंटिव ऐसे मिल रहे हैं जैसे आपके करप्शन के थ्रू कैपिटलिज्म <coughs> और साथ में स्किल गैप जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से बहुत अच्छा पब्लिक पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन या स्टेट की कैपेसिटी बढ़िया नहीं हो पा रही है देर इज एन एक्सट्रीम कंसनट्रेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन पावर विद इन द डिपार्टमेंट्स सो डिपार्टमेंट्स के अंदर ही पॉलिसी मेकिंग भी हो रही है और और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन भी हो रहा है सो so, ये सही नहीं है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पब्लिक पॉलिसी आ, का कंस्ट्रक्शन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है अलग अलग से ये तो यहाँ पर हमें डायकोटमी का एस्पेक्ट मिलता है जो नहीं हो पा रही है डायकोटमी होनी चाहिए आपको पता है फॉर द फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो वुड्रो विल्सन वाज़ द स्कॉलर जिन्होंने डायकोटमी का सिद्धांत दिया था उसका उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पर बात करें कि भारतीय स्टेट वैसे तो टू बिग है और हमजा आलवी का आर्ग्यूमेंट लगे जाए तो ओवर स्टेट है जो इनहेरिटेंस हुआ है हमारा फ्रॉम दी कोलोनियल एरा पर हमें देखने को मिलता है फिर भी ये बहुत छोटी प्रतीत होती है कोई भी एक बिजनेस शुरू करें आप लाइसेंस परमिट क्लियरेंस परमिशन अगर आप लेने जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही एक तरीके से परेशान होने वाली हो जाएगी उस समय तो आपको जो इंडियन स्टेट है उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि यार ये कितनी स्लो है ये रेड टेपिज्म से घिरी हुई है ये में में लेडन है है और ये स्टेटस कोइस्ट नेचर सो यहां पर देखा जाए इवन एज सिटीजन वन कैन नेवर बी श्योर टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ एंड सर्किटियस रेगुलेशंस इतने सारे रेगुलेशंस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हैं तब भी कुछ गलत हो जाएगा सो so, यहां पर देखा जाए तो वेबेरियन स्टेट इन इंडिया इज टू स्मॉल अगर टोटल अगर अफसरशाही देखें या हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स देखें इंडियन स्टेट में वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जी ट्वेंटी से भी अगर हम क्योंकि कंपेरेटिव बेसिस देखें जैसे पब्लिक सेक्टर का भारत में टोटल शेयर जो है 5.77 परसेंट ही है और अगर हम ये बात करें कि उसको कंपेरिजन करें इंडोनेशिया चाइना से वो भी कम है और जस्ट अबाउट वन थर्ड ऑफ दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम तो उससे भी एक तिहाई है इसका मतलब पब्लिक शेयर ऑफ जो पब्लिक जॉब्स हैं वो सरकारी जॉब्स बहुत कम है भारत में और 1600 पर मिलियन नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल इन इंडिया कंपेयर करिए इसको जरा एक दस लाख पॉपुलेशन पे ओनली 1600 टोटल एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं एज कंपेयर टू 7500 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसी ही स्थिति आपको एम्प्लॉयज़ के अलावा डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की पुलिस पर्सनल्स की मिलेगी जैसे पर्टिकुलरली uh, एक यूएन का डेटा है वो कहता है कि प्रति एक लाख व्यक्ति पे 222 पुलिसमैन होने चाहिए ऑन एन एवरेज इंडिया में आपको ये फिगर अराउंड 146 पर वन लाख ,00 मिलेगा कुछ स्टेट्स में जैसे कि जो ओवर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं वहां पर ये 130 के करीब आ जाएगा सो so, इंडिया स्टेट जो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो टैक्स टू जी डी रेशियो भी इसका बढ़िया नहीं है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पब्लिक गुड्स के लिए होता है उसका जी डी रेशियो भी बढ़िया नहीं है सो तो ना तो हम वेलफेयरिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा टोटल आउटले कर पा रहे हैं ना ही बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्प्लॉयज़ हैं सो ड्यू टू इन एडुएट स्टेट का स्ट्रक्चर है और हम ऐसा भी कर रहे हैं कि नए परमानेंट एम्प्लॉयज़ को भर्ती नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं आउटसोर्स कर दे रहे हैं अपनी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं और उसको नाम दे दिया गया है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पब्लिक चॉइस अप्रोच और एल पी जी रिफॉर्म्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये स्वयं के नाम दे दिए गए हैं आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैनेज कॉम्पिटिशन ये नाम तो बहुत अच्छे हैं पर उनका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो नेगेटिव ही पड़ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच अभी आपके एडमिशन के लिए ओपन है टिल फोर्टीन ऑफ दिसंबर और यहां आप एडमिशन ले सकते हैं यहां पर आपको ऑफरिंग है यू यू ऐसी लाइव कोड का यूज करेंगे तो फिफ्टीन थाउजेंड नाइन 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 में ये कोर्स अवेल कर सकते हैं मात्र आपको ध्यान रखना है कि ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे बहुत ही सारी सुविधाओं से युक्त बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा वन टू फोर लाइव क्लासेस होती हैं रोजाना हैंड रिटन नोट्स होते हैं और साथ में आपके पी के क्रक्स नोट्स मिलेंगे आपको जो बहुत सारे बुक से सोर्स किए जाते हैं इसके अलावा 12 टेस्ट हैं जिसमें एट टेस्ट हैं सेक्शनल और फोर टेस्ट हैं फुल लेंथ और इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी साथ में बहुत सारे आर्टिकल्स जो ईपीडब्ल्यू में आते हैं और आई में आते हैं इंडियन इंस्टीट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई जी पी ए आई जे पी ए में आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे सो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और एस सी लाइव कोड का यूज करते हुए अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएं आपका स्वागत है आगे बढ़ने आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में सो तो यहां पर अगर बात करी जाए तो अब यहां पर सॉरी इंप्रूविंग कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अब यहां डिबेटिंग द रोल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो प्रोपोनेंट्स जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई स्टेट का जो साइज है वो छोटा है क्यों ना बड़ा करा जाए स्टेट का साइज का मतलब है स्टेट के डिपार्टमेंट ज्यादा होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिसेस ज्यादा होने चाहिए पी एस यू ज्यादा होने चाहिए वो बात करते हैं कि इंक्रीज होना चाहिए पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ में एजुकेशन में सोशल सिक्योरिटी में लार्जर ऑफिशियलडम मतलब ज्यादा लोगों कामगार ज्यादा आए तो ज्यादा अच्छे ढंग से चीजों को इम्पैक्टफुली मैनेज कर सकेंगे परंतु उनके बिल्कुल विपरीत जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है वो रिट्रीट बैक स्मॉलर लीन स्टेट की बात करते हैं वहां पर लीन ब्यूरोसी की बात करी जाती है लीन स्टेट की बात करी जाती है वहां पर वो बात करते हैं कि चाहे वो चाइल्ड और मेटर मेटर्नल आपके डेथ रेशियो हो मोर्टैलिटी रेट हो एजुकेशन हो हर जगह सरकारी तंत्र तो फेल हो गया है तो क्यों इस सरकारी तंत्र पे ज़्यादा पैसा लगाया जाए कुछ ऐसा आर्गुमेंट है तो ये आर्गुमेंट आपको पता है क्लासिकल आर्गुमेंट है एक सोशलिस्ट स्टेट के लिए और एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड स्टेट्स के लिए तो अगर हम बात करी जाए तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें मिस हो रही हैं पीपल थिन और प्रोसेस थिक हमारे यहाँ स्टेट बन गई है लोग कम भी हैं लोगों पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है प्रोसेसेस इतने जटिल हैं कि कार कराना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है मेन प्रॉब्लम हाउवेयर इज परवर्स इंसेंटिव जो क्रिएट करते हैं मतलब करप्शन जैसे और और स्किल गैप जो कम है ऑफिशियल्स में मतलब आज के जो जमाने की रिक्वायरमेंट है ब्यूरोसी उसको पूरा नहीं कर पा रही है इसका मतलब हम एक स्पेशलिस्ट स्टेट की तरफ जा रहे हैं जहां स्पेशलाइजेशन ज्यादा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में है चैलेंजेस कोविड हो या फिर एक तरह से के जो आपको कम्युनल एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं या फिर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर हो या हाइब्रिड वॉरफेयर हो यहाँ पर हर जगह पर क्लाइमेट चेंज हो डिजास्टर मैनेजमेंट हो हम फेल हो रहे हैं सो so, एक रिसेंट बुक आई है स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया बाई टी वी सोमनाथन एंड गुलजार नटराजन इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं ये बुक आप याद रख लीजिएगा पर्टिकुलरली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं इस बुक को कोट भी करिएगा और इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं चीजें कैसे सही करी जा सकती हैं बहुत बड़ा चेंज करे बिना सो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम कंसेंट्रेशन हो रहा है पॉलिसी मेकिंग का और इंप्लीमेंटेशन का अपने डिपार्टमेंट में ही और हमें और देशों से सीखने को मिलता है कि पॉलिसी मेकिंग जो क्लासिकल डाइकोटमी का सिद्धांत है वुड्रो विल्सन का उसकी बात कर रहे हैं कि यह देखने को मिलता है कि पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन अगर यदि अलग अलग हो जाए तो एक्जिक्यूशन बेहतर हो जाता है इनोवेशन ज्यादा हो जाती है और साथ में लोकल एस्पेक्ट को भी हम ध्यान में रख सकते हैं बेटर सुटेड फॉर लोकल कंटेक्स्ट मतलब जैसे हम पॉलिसी मेकिंग करते समय पंचायतों से या फिर ग्रामीण जनता से भी इनपुट्स ले सकते हैं यहां पर हमें देखने को मिलता है एक एग्जाम्पल जैसे नेशनल हाईवे ऑफ भी करना है इंस्टीट्यूशन और, में, में और यहीं पर मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग भी बनती है सो एग्जीक्यूशनरी एस्पेक्ट और पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट भी वहीं हो रहा है दिस अरेंजमेंट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस डिलेज एंड कॉस्ट ओवर रन सो यहां पर मिनिस्ट्री में तो हो रहा है पर एक चीज़ यहां पर देखने को मिलेगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने आप में रेगुलेटरी बॉडी भी है और रेगुलेटरी बॉडी होने के साथ साथ इसको कुछ ऑटोनॉमी भी मिली हुई है तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन का जो थोड़ा काम है वो अलग हो जा रहा है और डाइकोटॉमी रिफ्लेक्ट हो रही है इस वजह से हमारे यहाँ डिले कम हो रहे हैं कॉस्ट ओवर रन कम हो रहे हैं और हाईवे की गति बढ़ी है तो ये जो डाइकोटॉमी है इसको बरकरार रखने से फायदा होगा ये एक आर्ग्यूमेंट है फ्रंट लाइन पर्सनल टू डिसाइड इंप्लीमेंटेशन स्टेट स्टेट पे फ्रंट लाइन वर्कर का मतलब है, line जैसे, जैसे आपके के में हो गए या फिर आपके पंचायती राज के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम कर रहे हैं वो लोग हो गए या फिर आपके स्वच्छता भारत अभियान में लोग हो गए जो ग्राउंड पे काम करते हैं स्ट्रीट लेवल ब्यूरोसी उनको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है और उनको ये मान लेना वहां पर एक इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे बिल्कुल अलग कर देना यह दिखाता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और उनमें फ्रस्ट्रेशन का भी भाव आता है मिसट्रस्ट दिखाता है तो एक तरीके से अगर हम बात करें स्कॉलर से लिंक करना चाहें तो लिकर्ट का सिस्टम वन कुछ ऐसा ही है या थ्योरी एक्स जो है कुछ ऐसी ही है यहां पर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है रेंसिस लिकर्ट विशे तो साइकिल है वेयर इन पुअर डेलीगेशन होता है डेफिशिएंट स्पेस की कैपेसिटी है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये फीड इच अदर करते हैं एक दूसरे को पुअर डेलीगेशन और स्टेट की कैपेसिटी भी कम है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस भी नहीं है ये भी आपकी एक समस्या देखते हुए नजर आती है द टेक्नोक्रेटिक गैप अब ये बात करी गई कि हमारे यहाँ टेक्नोक्रेटिक गैप बढ़ रहा है मतलब जो आज की रिक्वायरमेंट है वो स्पेशलाइज्ड टाइप के लोगों को मांगती है और हमारे हम चाहे वो इंडक्शन ट्रेनिंग्स हो या मिड करियर ट्रेनिंग्स हो अपने ब्यूरोक्रेट्स को इवन डोमेन ट्रेनिंग से भी उस स्तर पे नहीं ला पा रहे हैं जहां पर वो आज की समस्याओं के लिए सोल्यूशन दे पाए तो यहां तक कि पॉलिसी मेकर टॉप पॉलिसी मेकर इवन लीव अबाउट द पॉलिटिशियन दे आर इधर वे नॉट एन एक्सपर्ट अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल आस्पेक्ट यहाँ पर जो हाइयर लेवल ऑफ सेक्रेटरीज हैं या इनपुट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर देखने को मिलता है कि लैक ऑफ टेक्नोक्रेटिक स्किल्स है जो कि अमेरिका या यूरोपियन टाइप को हाइयर लेवल ऑफ जो सर्विसेज में कंट्रीज हैं उनकी ब्यूरोसी के पास है कैपेसिटी नहीं है विद इकोनॉमिक फिनंस कॉन्ट्रैक्ट अदर टेक्निकल मैटर्स हमारे यहाँ अभी भी जो इस उस, उस स्तर का कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है या उस स्तर की हाई एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज भी नहीं हो रहा है जो कि हाइयर एंड इकोनॉमिक्स में संभव है क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड अदर टेक्निकल मैटर्स से रिलेटेड चीजों के लिए ब्यूरोक्रेसी में इन बिल्ट इन सी टू कैपेसिटी नहीं है अब इस चीज को जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी है या फिर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम कर क्या रहे हैं उसके लिए हम कर रहे हैं कंसल्टेंसीज को हायर क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी में वो कैपेसिटी नहीं है सो so, हम हर साल 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं लास्ट फाइव इयर्स में दिए गए हैं और जो बिग फोर कंपनीज़ हैं कंसल्टेंसी की जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स डेलॉइट अर्नस्ट एनियन के पी एम जी मैकेजी इन सबको हायर करते हैं यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट्स बनवाने के लिए जो कि वास्तव में ब्यूरोक्रैट्स को नॉलेज होनी चाहिए सर्वेइंग मेथड्स की साथ में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सिमुलेशन करने की जो बेसिक चीज़ें हैं पब्लिक पॉलिसी में वो होनी चाहिए तो ये नहीं हो पा रहा है और इंस्टीट्यूशनलाइज और रेगुलर लेटरल एंट्री मिड और सीनियर लेवल पे भी ये गैप को फिक्स कर सकती है जैसे आधार प्रोजेक्ट में नंदन नीलकनी को लाया गया और उनसे एक बेहतर सुविधाएं ली गई साथ में जो लेटरल एंट्री शुरुआत हुई है उसमें भी अंडर सेक्रेटरी लेवल पे इसका सरोकार है इसको यूज़ करा जा सकता है और इसके अलावा बहुत सारे जो टेक्नोक्रैट्स बैकग्राउंड के लोग हैं नॉन आई जॉब्स में हैं उनको लाया जा सकता है ऐसी पोजिशन पर जहां पर ट्रेडिशनली आई ही हेड करते हैं एनीवेज आईएएस आई एस एजनलिस्ट ऑफिसर और वहां पर फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं तो वहां आईआरएस को लाया जा सकता है रेवेन्यू सर्विसेज इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज के लोगों को लाया जा सकता है सिविल सर्वेंट एट डिफरेंट लेवल कैन बी प्रोवाइडेड विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग सो खैर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो डोमेन लेवल पर भी भारत में है पर और इसको ब्रॉडर किया जा सकता है जब हमारे पास आज नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए ई e नॉलेज का भी प्लेटफॉर्म है और कोर्सेज ऑनलाइन भी कराए जाते हैं आपके मिशन कर्मयोगी जो सरकार ने कुछ साल पहले स्कीम शुरू करी है सिमिलरली देर इज नीड टू ऑगमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ विद मार्केट वॉचडॉग जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनमें भी हमें कैपेसिटी भी बढ़ानी है और uh, इन नंबर्स और हमें कैपेबिलिटी भी बढ़ानी है ब्यूरोक्रेट्स की या वहां पर जो सर्विसेज कर रहे हैं उन लोगों की आपके सिविल सर्वेंट्स एज वेल एज हु आर वर्किंग इन दीज जैसे में काम कर रहे हैं, या फिर आपके आर बी आई जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है वहां काम कर रहे हैं अगर एक छोटा सा कंपैरिजन किया जाए जो यूएस का सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है जो जैसे भारत में काउंटर पार्ट ऑफ सेबी वहां पर देखा जाए तो तो अगर हम बात करें इंडिया में सो इंडिया में सेबी जैसी जो संस्थाने हैं सेबी जैसी संस्थान है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर 800 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू यूएस में जो काउंटर पार्ट है उसमें पैंतालीस सौ और आरबीआई का जो स्ट्रेंथ है वो सात हजार से भी कम है और बल्कि फेड रिजर्व है उसमें बाईस हज़ार प्रोफेशनल्स काम करते हैं सो डेफिनेटली साइज़ ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट है पर हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है सो so क्यों ना हमें नंबर्स भी बढ़ाने चाहिए स्टेट को और हम पहले ही देख सकते हैं कि लिटिल मोर देन फाइव परसेंट इज द टोटल सरकारी कैपेसिटी ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड विद सरकार और है नैरोली स्कोप्ड ऑडिट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इट इनकरेजेस फिनेशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इन गवर्नमेंट टू फोकस ऑन कम्प्लायंस विद रूल्स रादर देन द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ जो ऑडिटिंग है वो भी इस बात पे सर्वोकारी मानी जाती है कि क्या आपने रूल्स को फॉलो किया सो so, मिशन कर्मयोगी में ही एक सिद्धांत है फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ये लाने की जरूरत है जहां पर केवल रूल को एडिक नहीं बल्कि आउटकम्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए जो हमने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बनाए थे क्या उसकी पूर्णता हो रही है या नहीं इसी के साथ साथ हमारे यहाँ ओवर जो एजेंसीज हैं इसका मतलब है जो करप्शन होता है उसको ध्यान रखने वाली एजेंसीज हैं वो कंटेक्ट देखे बिना ही छापेमारी कई बार कर देती हैं और नाम बदनाम हो जाता है सो so, जहां पर डिस्क्रिप्शन अप्लाई होने की बात होती है ब्यूरोक्रेट्स के और वो पैसे की सेविंग कर सकते हैं या फिर बेटर पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करके या कुछ इनोवेशन कर सकते हैं वहां पर वो पीछे हाथ खींच लेते हैं यहां तक कि जो बिग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रिन्यू करने की जगह उनको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि बिग कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा पैसा इन्वॉल्व है एक भी परसेंट इधर से उधर हो गया तो उनका नाम फंस जाएगा सो आर्बिट्रेशन में भी देखा जाए ये देखने को मिलता है कि भारत में बिगेस्ट लिटिगेटर जो है वो स्वयं सरकार है हम बात करते हैं कि भारत में टोटल जो जुडिशरी में पाँच करोड़ से भी ज़्यादा मामले लंबित हैं पर उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुकदमे चल रहे हैं वो खुद सरकार के हैं उसके पीछे भी जो ब्यूरोटिक एक माइंड है वही काम कर रहा है और हमें ये जो ओवरसाइट एजेंसीज हैं सी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सी बी है या ई है इनको थोड़ा विश्वास में लेना होगा और ओवरसाइड एजेंसी मस्ट बी सेंसिटिव टू द ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग दे शुड फैक्टर इन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्चुअल डिसीजन एज वेल एज देयर ऑल्टरनेटिव सो ये कुछ सजेशंस थे जो सजेश बताए गए और बुक में भी मैंशन है बहुत बढ़िया आर्टिकल था द हिंदू में मैंने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई uh, करने की कोशिश की आप जोड़ सकते हैं पब्लिक एड शेखर टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल भी है यू कैन ज्वाइन ओवर हियर इसमें कोई गैप नहीं है स्ट्रेट अवे पब्लिक एड बाय शेखर सो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नेंस से रिलेटेड या जीएस किसी अन्य पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो सजेशन आप मांग सकते हैं एट द सेम टाइम फॉर बेटर प्रिपरेशन यू कैन कनेक्ट विद पब्लिक एडवाइ शेखर टेलीग्राम ग्रुप ओवर हियर आपको बहुत सारा स्टडी मटीरियल और रेलिवेंट अखबारों में आने वाले ओपिनियंस या आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएंगे बहुत सारी किताबें भी आप एक्सेस कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल भी आप सभी का स्वागत है मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल